तो गुड मॉर्निंग डियर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड आई वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट श्री सिद्धिविनायक साइंस अकेडमी। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट टू पॉइंट एक्सरसाइज 2.1 रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैथ एंड एक्सरसाइज 2.1 इन इक्वेशन क्वेश्चन इक्वेशन। तो देन द फर्स्ट क्वेश्चन दिस 1.6 इक्वल बाई अपॉन 1.5। स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें अब तक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं आता है और आप एक नई क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो पिछली क्लासों में भी आपने पढ़ा है और काफ़ी इस कोरोना वायरस के कारण आप भूल गए होंगे, तो मैं आपको एक बार फिर से रियलाइज कराना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपको इक्वेशंस दी जाए तो आप उनको किस टाइप से सॉल्व करेंगे। तो उनका कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो सभी स्टूडेंट इस बेसिक्स कॉन्सेप्ट को नोट करेंगे और इसको लर्न रखेंगे। इसका बेसिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा ध्यान नज़र डालेंगे अपने नोट्स पे। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन एनी नंबर्स आर ट्रांसफर्ड, जब कोई भी नंबर्स स्थानांतरित की जाती हैं इन राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जब कोई भी नंबर्स को ट्रांसफर करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे पास स्पेस नहीं बचा था, मतलब मैं भूल गया था, तो मैंने यहाँ पर एरो करके यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख दिया है। आप देख सकते हैं जब कोई भी नंबर को हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, देन दे आर साइन, तब उनके जो साइन होते हैं, साइन तो सब लोग जानते होंगे, मैथ्स का मैथ सब्जेक्ट है तो साइन होते हैं प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है डिवाइड है, इस टाइप के ये साइन होते हैं। तो इक्वेशन में हमें प्लस और माइनस के साइन दिए जाते हैं, समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। तो जब भी कभी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करते समय उनके जो साइन होते हैं राइट हैंड साइड की, जब कोई नंबर राइट हैंड साइड की जब कोई नंबर को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे या लेफ्ट हैंड साइड की नंबर को राइट हैंड साइड में लाएंगे, तो उनमें जो साइन होते हैं वो एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। यानी कि इंटरचेंज से मीन मेरा है कि जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाता है और माइनस का होगा वो प्लस हो जाता है। आगे मैं इस क्वेश्चन को जो ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी बताएंगे, लेकिन मैंने यहाँ नोट लिखा, उस नोट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप फिर कभी भी इक्वेशन सॉल्व करने में मिस्टेक नहीं करेंगे। नोट नंबर सेकंड मैंने लिखा है व्हेन एनी टू रेशनल नंबर, जब कोई भी टू रेशनल नंबर्स होती हैं आर गिवन हमें दी जाती हैं इन इक्वेशन इक्वेशन में, देन वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, तब हम उनका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू अनादर एक दूसरे से हम उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए x बाई टू इक्वल 1/2। यहाँ पे देखो मैंने एक क्वेश्चन दे रखा था, देखिए फिर से मैं एक बार करके बताऊँ कि ये वाली इक्वेशन दे रखी थी मैंने x बाई टू इक्वल टू 1/2, तो x बाई टू इक्वल टू 1/2 को मैंने कहा कि जब कोई भी दो रेशनल नंबर, तो x बाई टू एंड 1/2 दोनों ये रेशनल नंबर हैं और इनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x बाई टू इक्वल 1/2 में हम एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा स्टूडेंट x से हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कहाँ 1 से हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2x हो जाएगा एंड 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा। x का कोफिशियंट यहाँ पे 2 है, तो जो x का या y का या z का जो भी कोफिशियंट होता है उसी कोफिशियंट का हम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 बन जा 2, यहाँ पे ओनली क्या बचा हमारे पास x बचा है और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 1 बचा है।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1। ठीक है, और इसको एक तरीके से और भी हम करते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि हमारी इक्वेशन बनी थी 2x इक्वल टू 2, तो x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो सेकंड साइड में 2 का ही डिवाइड कर देंगे, जितना x का कोफिशिएंट होता है उतने का ही डिवाइड उसके राइट हैंड साइड में कर देते हैं, और डिवाइड करके जो आंसर आता है उसको हम लिख देते हैं, और वही हमारा आंसर होता है। तो मैंने आपको कहा था कि जो आपका एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैं आपको फिर से एक बार करके दिखा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके, थोड़ा डिस्टर्ब दिखा है, चलो मैं हाथ से ही इसको लिख, देखिए यहाँ पे देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करने जा रहे हैं हम, तो सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे दिया है हमें 1.6 इक्वल टू वाई अपॉन 1.5। अब देखिए एक साइड में राइट हैंड साइड में जो है वो फ्रैक्शन में दी गई है नंबर, वो रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा है, और जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी रहती है उसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब कोई भी नंबर में अगर हमारे में डेनोमिनेटर नहीं है तो स्टूडेंट मैंने कहा उसको फ्रैक्शन बनाने के लिए हम डेनोमिनेटर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो 1 मानने से उस नंबर पे कोई भी डिफरेंस नहीं आता है और हमारी फ्रैक्शन बन के रेडी हो जाती है। तो 1 मानते क्यों हैं? क्योंकि हमें इसका मल्टीप्लाई करने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा इजीली हो जाता और इसको बड़े इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा था जब कोई भी टू फ्रैक्शन आपको दी जाए इक्वेशन में तो उनका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखो, चलो मैं थोड़ी सी ब्लैक पेन से एरो कर देता हूँ तो और ताकि और समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, अब देखो यहाँ 1.6 का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा स्टूडेंट, 1.5 से किया जाएगा, और इसके देखो y का मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, यहाँ पे 1 से किया जाएगा। हम इसका करेंगे तो क्या करेंगे, आप अलग पेज पे भी कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो एक आप लेफ्ट साइड के किसी भी पेज पे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको मान लिया ये हमारा रफ वर्क करने के लिए कोई पेज है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.5 सिक्सा 35 बच्चा 5 3 एड कर देंगे तो 8, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 1 सिक्सा 6 1 बन जा 1। अब हम इनको प्लस कर देंगे 0 8 14 1 1 2। अब ये डेसिमल का मल्टीप्लाई था तो हम यहाँ पे डेसिमल का साइन लगाएंगे, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 प्लस 1 2, तो हम यहाँ आंसर में 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये लगा दिया मैंने, ये तो आंसर आया 2.40 का कोई मीन नहीं, इक्वल टू ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।